नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलवामा हमले के बाद में बीजेपी की एक सर्वे के अनुसार बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने पर करारा कटाक्ष करते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि कोई भी 2 लाख रुपए देकर के चुनिंदा बंदों से सर्वे करवा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठबंधन इसी बात को लेकर के हुआ है कि मजदूरों को किसानों के साथ जोड़ा जाएगा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर हरियाणा में लोग हमारा साथ देते हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाएं भी हम देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि भिवानी के नेहरू पार्क के सामने बहुजन समाज पार्टी व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयुक्त रूप से एक नए कार्यालय का उद्घाटन राजकुमार सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो दोनों पार्टियों की विचारधारा से मेल खाता हो, जो जनता के बीच में रह करके उनका सहेता हो। हमने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के आगामी चुनाव की नई जीत के लिए रूपरेखा तैयार की है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी जातियों के लोगों को साथ लेकर के सरकार बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में मायावती व अखिलेश यादव के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2/3 सीटों पर हम वहां लेंगे। कुल मिलाकर के दूसरे प्रदेशों में बीजेपी से जनता का मोह भंग हो चुका है। साथ ही उन्होंने मीडिया के बारे में बोलते हुए कहा कि जो खबर सही होती है उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि 2 पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं UGC नेट में SC और OBC उम्मीदवारों की कम भर्ती होने पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि आज भी नेता अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहते हैं, आज भी SC और OBC के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सरकार बनने पर किसी के साथ भी कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट, भिवानी से अमन शर्मा के साथ। क्रॉस कर लें तो हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ी पार्टी ने अपने 4 साल में जीत हासिल की। आजकल सर्वे भी जो है ना 2-2 लाख रुपए में हो जाते हैं और वे आपने हमारे इन आदमियों से सर्वे करवा देना है, इन से बुलवाना है, एक आधा आदमी बीच में खिलाफ बुलवा दो थोड़ा थोड़ा और बाकी 50 आदमियों से अपने आप दिलवा दो। आजकल 5-5 रुपए में सर्वे हो रहे, 5 लाख और 50 लाख की तो बात छोड़ो, एक एक मोबाइल उठा लिया, उस पर एक पट्टी लगा दी, उसी से सर्वे दिखा दिया। आजकल सर्वे किसका सर्वे है, कौन सा ऑथेंटिकेट आदेश लेकर के किसी ने सर्वे करवाया, ये तो कहने की बातें हैं। हमारी सौंपी जाएगी और ठीक उसी प्रकार से चुनावी समर में हम लोगों को अपने इस गठबंधन के बारे में, नीतियों के बारे में, जो हम जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी वैसी हिस्सेदारी, 100% आरक्षण के माध्यम से, एक परिवार में एक रोजगार के माध्यम से, किसान और मजदूर को इकट्ठे जोड़ करके उनको 65% आबादी को रोजगार तक ले जाने के लक्ष्य से ये गठबंधन हुआ है। और इसका सीधा सीधा मकसद जो अब तक पीछे छोड़ दिए गए लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ करके उनको इंसाफ दिलाना इसका मकसद है और इसी विषय पर आज यहां दफ्तर का सुचारू रूप से उद्घाटन करके इसको भिवानी क्षेत्र को इस सर्कल के माध्यम से सर्कुलेट किया जाएगा। देखिए युवा हो या अपनी उम्र दराज हो, ये हमारा पैमाना महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और उम्र दराज पुरुषों के लिए कोई अलग पैमाना नहीं है। जो जनता का सेवा करने का लक्ष्य रखते हुए चुनाव के अंदर मजबूती से चुनाव जीतने की हिम्मत रखता है और जनता का हितैषी है, उसके ऊपर पीछे किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज